गाइस, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सारा, मतलब बहुत सारा, और मेरे साथ हैं मोहम्मद यूनुस खान। मैं आप पूरा नाम बताऊंगा। आज हम जो मौजूद हैं वो कहाँ मौजूद हैं? आज मैं मौजूद हूँ हस्बैंड एंड वाइफ, और मैं वाइफ नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, आप लोग कंफ्यूज मत हो, आपको सबको पता ही मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ। जगह जो आज हम मौजूद है ना, ये एक जबरदस्त सा एक रेस्टोरेंट खोला गया है हस्बैंड एंड वाइफ के नाम से, बिल्कुल हमसे मुतासर होके, क्योंकि ये हस्बैंड और मैं वाइफ हूँ। अरे यार मजाक कर रही हो यार, क्या आप लोग सीरियस हो जाते हैं? हस्बैंड एंड वाइफ के नाम से उन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला है, और यहाँ है जबरदस्त बेहतरीन चीज जो कि आप लोगों को हम दिखाएंगे, जो कि कराची में अब तक है ही नहीं। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के थ्रू जाएगी। ये दावा कर रहा है आप? दावा नहीं, बता रहा हूँ। डर गया मैं। कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो आपको दिखाते हैं, हम क्या दिखाने वाले हैं आज हम आपको दिखाएंगे, क्या दिखाना ना? रोलर कोस्टर। अच्छा, जो आपने डाला है ये क्रीम डाली है, अब डालेंगे क्रीम आप? ये चीकू फ्लेवर डाला आपने, मिल्क शेक, सही जबरदस्त। ये डाले ये क्रीम, ये चॉकलेट है, ये वैनिला व्हाइट, स्ट्रॉबेरी है, और ये चीकू है। इस वक्त चीकू बन रही है जबरदस्त। इन्होंने पहले चीकू मिल्क शेक, उसका जो भी उनका सीक्रेट है वो उन्होंने डाला है चीकू फ्लेवर में, उसके बाद इन्होंने इसमें क्रीम ऐड की, और अभी इसको इसके अंदर बर्फ मौजूद है जो कि इसको आइस करिए। अच्छा भाई ये क्या है? ये कंडेंस मिल्क है मिठास के लिए, जबरदस्त कंडेंस मिल्क डल रहा है इसके ऊपर। अच्छा ये कितनी देर तक इसको ये बनेगी और कब तक चलता रहेगा? बस 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगी, सही जबरदस्त हो गया। देखे भाई जबरदस्त रोलर कोस्टर जो है वो रोल हुए चला जा रहा है, चले जा रहा है। अगेन इसके ऊपर फ्लेवर डाल रहे हैं चीकू सिरप जो उन्होंने बनाया हुआ है, मिल्क और उनकी जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, टॉप सीक्रेट होता है हर बिजनेस का, ये रूल है। ये देखें जबरदस्त बेहतरीन रोलर कोस्टर। इसमें मैं रोलर कोस्टर बनके बैठ के घूम भी सकती हूँ हैं? क्या मुझे आप इस पर रोलर कोस्टर की तरह घुमाएंगे? नहीं यार, ये तो आइसक्रीम ही खानी पड़ेगी हमें भाई। उन्होंने बोला है कि हम नहीं घुमाएंगे आपको, नो लिफ्ट। तो जनाब ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, ये फ्रीज हो गई है। अब ये इसको ये देखे निकालने का तरीका चेक करें आप। वाह फुल क्रीमी लग रही है मुझे तो, ये जबरदस्त। अच्छा इसके नीचे जैसे और फ्लेवर है तो वो तो नहीं आएंगे? चीकू ही फ्लेवर होगा, सही जबरदस्त हो गया। तो ये आइसक्रीम हमारी यहाँ पर आ चुकी है, हमने चीकू फ्लेवर पसंद किया था, और इसके ऊपर ये टॉपिंग जा रही है कैरेमल की टॉपिंग जा रही है इसके ऊपर जबरदस्त। इसके ऊपर हल्का सा चॉकलेट डाल दें, स्प्रिंकल कर दें, ये चॉकलेट चिप डालेंगे। अच्छा ये ऑप्शनल होता है, अपनी मर्जी होती है, ठीक है जी, जबरदस्त सही। बताइए जैसे आपने इसमें कैरेमल डाला है, तो ये कैरेमल ही इसके साथ जाते हैं आप अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से, क्लाइंट की जो हमारी कस्टमर की जो चॉइस, इसमें आपको एक सिरप आपके पास अवेलेबल है, आप उसमें से ऐड ऑन करा सकते हैं जी। मतलब आपने कैरेमल के चूज के कैरेमल का शायद ज्यादा अच्छा लगता होगा। जबरदस्त भाई, ये देखिए जरा चेक करें, लुक चेक करें, खान हो गई लुक चेक करें। देखने में तो बहुत लाजवाब थी, हम इसको ट्राई करते हैं और आपको इसका रिव्यू देते हैं।
तो अब मैं इसको करती हूँ ट्राई। ये देखें भाई, ये मैंने ले लिया है स्पून, और स्पून में ये देखिए, ये आगे जबरदस्त, ओफ 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 ओफ, देखिए तो चॉकलेट चिप आ गए, कैरमल सिरप आ गया है, और ये रोलर कोस्टर से बनी हुई आइसक्रीम। देखो पहली दफा मैंने यूट्यूब पर इंडिया की बड़ी वीडियोस देखी, और मैं देख देख के ना बड़ी सेटिस्फाइंग वीडियो होती है वो, आज बनते हुए मुझे बड़ा मजा आया। जा रहे रियल चीकू का फ्लेवर आ रहा है, अकेले खा रहे हो तो हमें क्या पता चलेगा। माना हस्बैंड वाइफ पर इतना आइसक्रीम हाथ में आ गई ना हमारी, तो कौन हस्बैंड है मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ आइसक्रीम को जानती हूँ। तो यार मासूम सर कल ऑर्डर टू ट्राई कर ले, कर ले। तो भाई मैंने बोला कि भाई कर ले, भाई ट्राई करना चाह रहे थे। जबरदस्ती छीनी है, तुम तो दे नहीं रही थी। ओहो, रिव्यू भी करना है। जबरदस्त आइसक्रीम बनी है भाई, अच्छी है ना। और ये फर्स्ट टाइम कराची में है ये रोलर कोस्टर, जबरदस्त। और पता है रोलर और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के थ्रू आपको इसका रिव्यू मिल रहा है, और ये इंतहाई जबरदस्त आइसक्रीम है। वाह 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 वाह, अच्छा सुने, ओरिजिनल टेस्ट आ रहा है चीकू का। चीकू का ये जो रोलर कोस्टर इस पे बन रही थी ना, उसकी भी जबरदस्त स्टोरी है। वो ऐसे ही नहीं आ गया, वो यहाँ पर जो लगा हुआ था मेहनत के बाद बना है, वो किसने बनाया है वो अभी हम सब दिखाते हैं आपको, वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। पहले मैं आइसक्रीम तो खा लूं, आइसक्रीम खा लूं, बताऊंगी सुनो, सब तो सारी खा लेंगे यार। हस्बैंड वाइफ नाम है इस रेस्टोरेंट का, सुनो यार हस्बैंड क्या है, हस्बैंड खा गए। अच्छा तो मैं अभी खिलाता हूँ, मैं चॉकलेट फ्लेवर खाऊंगी। अब मैं चॉकलेट फ्लेवर खाऊंगी। वाइफ अभी चॉकलेट फ्लेवर भी खाएगी, खिलाएंगे भाई। कैसी लग रही है? अंदाजा नहीं हो रहा आप लोगों को, सच में यार इसमें जो फ्लेवर आ रहा है ना चॉकलेट चीकू का, वो बिल्कुल नेचुरल जैसे शेक होता है ना चीकू का, वो ही फ्लेवर आ रहा है। चले भाई अब ये जो चॉकलेट आइसक्रीम आ गई है, क्योंकि मेरा दिल नहीं भर रहा, चॉकलेट भी मंगा लिया। ये देखे जबरदस्त आ गई है, ओहो हो 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 हो। आज तो मुझे यूनुस याद ही नहीं आ रहे। यूनुस चके चके बड़े मजे किए, पूरी ले गए यार, ऐसा मजाक थोड़ी हो रहा था यार, ये तो आपने गलत कर दिया यार। कैसी है? वाह 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 वाह, आइसक्रीम हो तो ऐसी, हम तो आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। आप भी जरूर आए, अभी आपको प्रॉपर एड्रेस और उसकी लोकेशन शेयर करते हैं। ओ सॉरी यार, तुम बंटी खाने लग गए, इंट्रो का इंटरव्यू करना था यार। हस्बैंड एंड वाइफ मौजूद है यहाँ पर, ये है हस्बैंड और ये है वाइफ, ऑब्वियस सी बात है, ये हस्बैंड और ये वाइफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हस्बैंड और वाइफ तो ठीक है, नाम बताएं। मेरा नाम जफर अहमद है, इनका नाम फरियाल है। फरियाल जफर है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं सबसे पहले, हस्बैंड एंड वाइफ क्यों? क्योंकि ये हम लोग बैठे हुए कुछ सोच रहे थे, तो उस दौरान वीडियो हमारी नज़र से गुजरी, तो हमने कहा यार क्यों ना पाकिस्तान में प्रमोट करें। तो जब हमने इस पर काम शुरू किया, तो फिर जब देखा तो हमें पता चला गुजरांवाले में कहीं है ये बन रही, तो कराची में नहीं थी, और अगर हो तो हमें नहीं पता, क्योंकि अभी तक हमने तो उसका ब्लॉग देखा नहीं है। तो हमारा ओपिनियन यही है कि हम वन एंड ओनली हैं सब। तो फिर हमने इसको बनाया, उसको मशीन को बनाने में तकरीबन 2.5 महीने लग गए,
खुद डिजाइन किया उसको, क्योंकि वीडियो में तो सिर्फ आपको चीज नजर आ रही है। मशीन को आपने खुद डिजाइन किया? मैंने खुद डिजाइन किया। ये तो पूरा रोलर कोस्टर है, ए टू जेड पूरा मैंने इसको डायग्राम करके बनवाया। आपने अपने खुद अच्छा मेजरमेंट मैंने खुद किया, क्योंकि एक चीज आपको नजर आ रही है ना, अब आपने एनालिसिस करने की वो होगी किस तरह, उसकी मेजरमेंट की, उसको बनाया और वो मशीन आपके सामने सका। आपको आप नजर आ रही है मशीन, माशाल्लाह बहुत अच्छी आइसक्रीम। शुरू में थोड़े से हेडल्स आए क्योंकि न्यूली इवेंट था, ये इन्वेंशन थी हमारी, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो इशारों में मतलब वसूल हो रहा है जो आपने बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मुझे ये बताएंगे आपके अभी पब्लिक की तरफ से आपको जो रिस्पांस है वो कैसा है? क्या बहुत अच्छा है? अच्छा है, मतलब हमारे तवक्को से ज्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इवन हमने इतनी ज्यादा कोई कंफ्यूटिंग भी नहीं की, सिर्फ जो लोग नाम पढ़ के जा रहे हैं तो उससे ही अट्रैक्शन लेके नाम पढ़ाई भी नहीं कर, एक यूनिक नाम लेके आए हम मार्केट। हमने से ही नाम रखा गया, हम दोनों ही जब इस काम को कर रहे हैं तो क्यों ना हस्बैंड एंड वाइफ को प्रमोट करें, क्योंकि बहुत सी जगह हस्बैंड एंड वाइफ को नहीं अच्छे तरीके प्रमोट करते, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, हमने कहा हम दोनों इस काम को करेंगे। कुकिंग साइड रहे माशाल्लाह, आउट क्लास माइंड ब्लोइंग खाने बनाती हैं वैसे भी। अच्छा, आइसक्रीम के अलावा रोलर कोस्टर से अगर हम साइड पे आते हैं तो रोलर कोस्टर के अलावा आपके पास और क्या क्या, मतलब उसके अलावा हमारे पास फास्ट फूड भी हमारे पास स्टार्टिंग है, तो हम लोग इजिप्शियन डिश हमने स्टार्ट किए जायरो के नाम से और वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। अच्छा जायरो में एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जायरो आप किस तरह से सर्व करते हैं? जायरो ये तो मजाक है, बट अभी मैंने आपका राइस का सुना तो मैंने कहा मतलब प्रॉपर जायरो जी। तो जनाब यहाँ पे मेरा माइक कब में बंद हो गया हमें बिल्कुल नहीं पता चला। यहाँ पे हम इनसे इनकी बबल टी, जो बुबा बबल टी होती है, उसके बारे में बात कर रहे थे। ये लोग जल्द वो भी इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं और इंशाल्लाह उसका रिव्यू भी हम जल्द करेंगे। और बस यही इन लोगों से बातें हो रही थी कि माइक अचानक बंद हो गया, हमें पता ही नहीं चला। अब यहाँ पे यूनुस जो इनको थोड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, दुआ दे रहे थे कि इंशाल्लाह ताला इनके काम में अल्लाह ताला बरकत दे, खैर बरकत अता फरमाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतनी मेहनत से इतने दिल से सब आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उनको कामयाबी ज़रूर नसीब फरमाता है, मेहनत में अज़मत है। और यहाँ पे बस हम वीडियो को एंड करने लगे थे और इस वजह से मैंने उनसे कहा कि एंड में आप यहाँ का एड्रेस बता दें, जो कि एड्रेस है इनका शॉप नंबर 6 हबीब टेरेस और गली नंबर 8 नॉर्थ नाजमाबाद, जस्ट नियर डीसी ऑफिस के जस्ट अपोजिट है ये। तो आप लोग प्लीज़ जाइएगा यहाँ पर ज़रूर हस्बैंड एंड वाइफ को सपोर्ट करने के लिए। और वही हमारी मज़ा मज़ा में हमने जैसे मैं बोल रही थी कि हम हस्बैंड एंड वाइफ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप इन हस्बैंड एंड वाइफ को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।